हर देश त्योहारों के देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर दिन किसी न किसी त्योहार को लोग मनाते नजर आते हैं। वहीं आने वाले अक्टूबर महीने में भी दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहार है। ऐसे में वे सभी लोग जो अपने और अपने घर से दूर रहते हैं, वे अपने घर आकर अपने लोगों के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों को होती है, क्योंकि इन जगहों पर जाने वाली ट्रेनों पर काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सीट कंफर्म नहीं हो पाती। लेकिन अब भीड़ को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे के द्वारा त्योहार पर होने वाले रस को खत्म करने के लिए 10 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें कि यह 10 जोड़ी ट्रेनों को दीपावली या छठ पूजा के दौरान बिहार व पूर्वांचल के लिए फेस्टिवल ट्रेन के नाम से चलाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इन ट्रेनों का परिचालन 17 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि त्योहार को देखते हुए जिन स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनमें सबसे पहली ट्रेन गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ से रवाना होगी। इस ट्रेन के 4 ट्रिप निर्धारित किए गए हैं, जो कि 11 नवंबर तक चलाई जाएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 19 अक्टूबर से आनंद विहार से छपरा के लिए चलाई जाएगी, जो कि 10 नवंबर तक चलेगी। वहीं 22 अक्टूबर को तीसरी गोरखपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 29 अक्टूबर को जम्मू से बड़ौनी एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यह ट्रेन 7 फेरे पूरे करेगी। 17 अक्टूबर को आनंद विहार से मुजफ्फरपुर ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 18 अक्टूबर से 12 नवंबर तक नई दिल्ली बड़ौनी एक्सप्रेस का चलाना होगा। आनंद विहार सहरसा ट्रेन का परिचालन 29 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। वहीं नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन को 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को आनंद विहार से जयनगर तक चलाई जाएगी। इसके अलावा 18 अक्टूबर को आनंद विहार से जोगबनी के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रेलवे द्वारा इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि दीपावली और छठ में खासतौर पर यूपी और बिहार की तरफ जाने वाले ट्रेनों में होने वाली भीड़ को मैनेज किया जा सके। अगर आप भी त्योहार के मौके पर अपनों से मिलने जा रहे हैं और आपके ट्रेन में सीटें फुल हो गई हैं, तो आप इन ट्रेनों की टिकट को बुक करके अपने घर पहुंच सकते हैं। बता दें कि भले ही ये ट्रेनें रेलवे के द्वारा खासतौर पर दीपावली और छठ के लिए चलाई हो, लेकिन अभी ही आप इन ट्रेनों के टिकट को बुकिंग कर लेना सही होगा। दरअसल इन मौकों पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए पहले ही टिकट बुक कर लें, क्योंकि अगर आप एंड टाइम पर टिकट बुक करते हैं तो हो सकता है कि आपको टिकट ना मिल पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।